खुशी तेरे दर्द से मैं मिला जो तू मुझे दिल यकीन। तो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा है फ्रेंड्स, अगर आप सबको भी कुछ इस तरीके से स्टेटस को एडिटिंग करना है, कोई भी सॉन्ग का जो है म्यूजिक हटा देना है, खाली ओनली वॉइस उसका सुनना है, तो आपको इस वीडियो को पूरे कंटिन्यू लास्ट तक देखना होगा। पूरी आसान तरीके से मैंने आप सबको इस वीडियो में समझाया है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड बता देता हूँ, मेरे वीडियो में अगर कुछ भी मटेरियल का यूज होता है वो मेरे टेलीग्राम चैनल आप सबको देखने को मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अभी आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अलर्ट मोशन ऐप एंड जो है ये मोइसेस जो है ऐप, इन दोनों को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। अलाइट मोशन का ऐप मैंने टेलीग्राम चैनल में दे दिया, वहाँ लिंक जो है दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मोइसेस का मैंने नहीं दिया। मोइसेस का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, सेम नाम से है फ्रेंड्स। इसी तरह जो है इसका थंबनेल लगा है, इसको भी आप ऑन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको डेटा आपका ऑन कर लेना होगा, उसके बाद आपको मोइसेस को ऑन करना होगा। ओके, देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको समझाऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिए कुछ समझ में आ जाएगा। इन सबको सबसे पहले आपको नेक्स्ट कर देना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना होगा। अभी आपका कोई सा भी आप जीमेल से लॉग इन कर सकते हो, तो मैं कोई सा भी एक जीमेल दे देता हूँ और वहाँ से लॉग इन हो जाता हूँ। तो फ्रेंड्स जो है मैं कोई सा भी एक जीमेल दे दूंगा, ये जीमेल पर मैं क्लिक कर दिया। ओके, जीमेल में ब्लर कर दूंगा फ्रेंड, तो देख सकते हैं जीमेल में दे दिया। ओके, उसके बाद आप सब क्या करेंगे अभी देख लीजिएगा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है ईमेल वगैरह, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। उसके बाद अभी आपका अपना सॉन्ग लेना होगा, सॉन्ग लेने के लिए आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, है ना, ठीक है। फाइल्स ऐप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, अलाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे आपका कोई सा भी सॉन्ग ले सकते हैं, आपका फोल्डर खुल जाएगा, आप कोई सा भी सॉन्ग ले सकते हैं। तो मैं ये सॉन्ग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे अपलोडिंग फाइल्स हो रहा है। अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा, मान 2-3 मिनट का वेट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोसेसिंग वगैरह डाउनलोड वगैरह हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोइट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं अभी प्रोसेसिंग चल रहा है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा 2-3 मिनट। तो फ्रेंड्स मैं अगर वेट करूंगा तो थोड़ा लेट हो जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ सीधा आपको ये यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद, यहाँ पे सीधा प्रोसेसिंग चल रहा है, उसके बाद डाउनलोडिंग हो जाएगा, उसके बाद आपका सॉन्ग यहाँ पे आ जाएगा। लगभग आपका 2 मिनट का समय लगेगा, तो 2 मिनट के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये जो है मेरा सॉन्ग यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हो मेरा डाउनलोडिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद आप सबको सिंपली आपको मैं तो साउंड पहले ऑफ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबको बता देता हूँ ये साउंड प्ले हो रहा है फ्रेंड्स, इसको मैं कट कर दूंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पहले आप कुछ देख लीजिए, यहाँ पे डन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको तो पता ही होगा, यहाँ पे देख सकते हैं एक रिंगटोन मैंने लिया था, इसका मैं जो है बनाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये अब घटा होगा, इसका म्यूजिक है मतलब म्यूजिक है, इसको भी आप घटा, ये आपका वॉइस है फ्रेंड, ये देख सकते हो। मैं आप सबको समझा देता हूँ, ये आपका ट्यूनिंग जो है ड्रम्स वगैरह का जो म्यूजिक है वो है, और यहाँ पे आपका बेस मिल जाता है, यहाँ से आप सब कुछ घटा सकते हो, ये सब लो कर सकते हो कोई सा भी सॉन्ग का फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ से आप जो है सॉन्ग थोड़ा प्ले कीजिएगा, जैसे ही आपका कोई मतलब जो है फीलिंग भरा जो है थोड़ा मतलब होता है ना फ्रेंड, बीच से थोड़ा कट टाइप का जो आता है ना, तो वहाँ पे आप जो है इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप यहाँ पे स्टेटस बना सकते हो, कैसा मैं आप सबको बता दूंगा। जैसे तो यहाँ से आप तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे चलेगा ये सब ऑफ कर दीजिएगा, ये सब तीनों को, और यहाँ पे आपका जो है म्यूजिक चलता रहेगा, आपका मतलब बोलता रहेगा, खाली वॉइस आएगा, यहाँ पे कोई म्यूजिक वगैरह नहीं आएगा। ओके, यह तक आपका ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद ओके आपने जैसे ही ले लिया फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने वहाँ पे ऑन कर लिया, आपका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है, उसके बाद आप सबको क्या करना होगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने करके तो नहीं बताया क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ सकता है फ्रेंड, इसलिए मैं वहाँ पे सॉन्ग प्ले नहीं कर सकता, आप सबको मैं समझा दिया, खाली वहाँ पे वैसे करना होगा। ओके, उसके बाद आपको इधर सबसे पहले प्लस पे क्लिक कर देंगे, मैं अभी यहाँ पे डेटा को ऑफ कर लेता हूँ फ्रेंड्स, एरोप्लेन मोड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, यहाँ पे क्रिएट पर इधर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1080 लेफ्ट साइड कर देंगे, और यहाँ पे 2399 इतना कर देंगे, और यहाँ पे FPS 30 कर देंगे, या फिर आप चाहो तो 60 कर सकते हो, मैं 30 कर देता हूँ। यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लैक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेना होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जोन सा भी फोल्डर में आपका रहेगा फ्रेंड्स आपको उसे ले लेना होगा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है फ्रेंड, मैं इसे ले लेता हूँ, मैं प्ले नहीं करूँगा फ्रेंड यहाँ पे।
इसे मैं ले लिया। ओके यहाँ इसको मैंने ले लिया, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा मेरा फोन लैग कर रहा फ्रेंड अब तो थोड़ा जो है, एक मिनट फ्रेंड, ये मेरा जो है वीडियो है उसी को मैं ले लिया। मैं वीडियो को नहीं लेना है, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेना होगा। मेरा बहुत ज़्यादा मेटेरियल फ्रेंड, इसलिए मेरा थोड़ा गड़बड़ा जाता है मेरा ध्यान, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सीधा मैं चल जाता हूँ। यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका जो है, जो वाला आपका है ना फ्रेंड, ये देख सकते हैं, इसे मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करना होगा, देख सकते हैं ये आपका यहाँ तक आ चुका है। इसे मैंने क्रॉप किया था फ्रेंड, यहाँ पे वगैरह नाम वगैरह लिखा था, तो इसे मैंने एडिट पे क्रॉप किया था। एडिट पे कैसे एडिट पे क्रॉप किया था मैं वो भी आप सबको समझा दूंगा। सिंपली मैं अपना ग्लेरी ऑन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स मैं आप सबको बता देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको वीडियो पे आ जाना होगा, आपका जो सा भी वीडियो रहेगा उस पे आपको क्लिक करना है। ये देख सकते हैं बिना क्रॉप वाला मैंने इसकी रिकॉर्डिंग किया था फ्रेंड्स, देख सकते हैं। उसके बाद आप सबको इस पे एडिट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोन पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 3:4 का रेशियो आप लेके इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको क्रॉप वाला आपने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आप सबको फिर से अभी आपको क्या करना होगा, एक PNG में दे दूंगा आप सबको, मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ये PNG दे दूंगा, आप ये PNG ले लीजिएगा। ये PNG पे मैं क्लिक करता हूँ, इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, उसके बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करना होगा, इसे जो है इस तरीके से जूम आउट कर लीजिएगा और इसे इस तरीके से यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। आप चाहो तो थोड़ा जूम और भी कर सकते हो, तो इसका ऊपर में जो है ब्लैक स्क्रीन चढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं अभी आपको एक सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसको आपको इस तरीके से कर देना होगा। पूरे लास्ट तक चल जाइएगा, यहाँ तक आप जितना दूर आप आना चाहते हैं वहाँ तक आ जाइएगा। यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले इधर कहीं पर भी अगर आपका ये लंबा हो रहा है तो इधर आ जाइएगा, यहाँ पे थोड़ा एक बीट मार्क लगा दीजिएगा और यहाँ पे कट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पूरे लास्ट तक आ जाना होगा, यहाँ पे क्लिक करके इसका लेयर भी आपको पूरे लास्ट तक कर देना होगा। इधर आ गए, प्लस पे क्लिक करते हैं, मीडिया पे क्लिक करते हैं। अभी आपने जो है जिस सॉन्ग के ऊपर जो है वीडियो बना है उस सॉन्ग का एक क्लिप यूट्यूब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर डाउनलोडिंग कर लीजिएगा क्लिप। ओके, प्लस पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो क्लिप मैं ले लेता हूँ। ओके, वीडियो क्लिप ढूंढ लेता हूँ सबसे पहले तो फ्रेंड्स, उसके बाद आप सबको मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये मेरे को मेरा मिल चुका है जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, ये मेरा क्लिप है, इसे मैं ले लेता हूँ। क्लिप लेने के बाद आप सबको क्या करना होगा, इस क्लिप पे क्लिक करना होगा, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसे थोड़ा जूम कर लीजिएगा इस तरीके से कुछ, और इस तरीके से इसे रेड लाइन के थ्रू इसे नीचे कर दीजिएगा। यहाँ पे रिसेट का आ जाएगा, रिसेट का आपको यहाँ से कवर कर देना होगा और इसे जूम कर लेना होगा कुछ इस प्रकार से। आप अपने हिसाब से इसे कर लीजिएगा और इसे यहाँ पे जो है इस तरीके से सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पे आगे क्या करना होगा मैं आप सबको अभी बता देता हूँ। इस वीडियो क्लिप को लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, पूरे लास्ट तक सबसे पहले आगे इसका एक्स्ट्रा पार्ट आपको कट कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। अभी आपका कोई लोगो वगैरह है तो आप लोगो ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, तो लोगो ऐड करने के लिए उसी तरह प्लस पे जाएंगे। अब मेरा एक लोगो, मैं फ्रेंड हर वीडियो में इस तरीके का लोगो यूज़ करता हूँ, मैं आप सबको लोगो दिखा देता हूँ पिक्सलैब एप्लीकेशन से। तो मेरे पिक्सलैब फोल्डर में ये मैं लोगो, एक छोटा मोटा लोगो मेरा पहले से लगा है फ्रेंड, उस लोगो का मैं यूज़ करूँगा। तो ये लोगों को मैं यूज़ करता हूँ, इन लोगों पे मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके ये सब कहीं पर भी जूम आउट करके इसे इस तरीके से सेट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हैं आपका स्टेटस फाइनली पूरा बनके रेडी हो चुका है। आप चाहो तो कुछ इफेक्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हो, देख सकते हैं ये आपका स्टेटस पूरा बनके रेडी हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप सब मेरे वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हो, वीडियो प्लीज़ पूरा देखिए, मेरे को वॉच टाइम का बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड, आप सब प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो अभी आपको सेव करने का ऊपर में देख सकते हैं इस एरो पे क्लिक करेंगे, वीडियो का राइट साइड में इस एरो पे क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत आप यहाँ पे एडजस्टमेंट कीजिएगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो जो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।